हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन अ टाइगर इन द जू पोएम इंग्लिश क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन अ पेयर्स ऑफ ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टास्क। ये पहला दिया गया है कि फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर। हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करने हैं किसका एक्शन, मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर, टाइगर का मूवमेंट और एक्शन, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। इन ए केज, यानी अगर केज यानी पिंजरे में रहेगा टाइगर तो किस तरह से एक्शन और मूवमेंट करेगा, एंड इन द वाइल्ड अगर वो जंगल में रहेगा तो किस तरह से वो मूवमेंट करेगा और एक्शन करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। आंसर है इसका, अगर जो लायन है या जो शेर है, ठीक है, टाइगर है, वह अगर पिंजरे में रहेगा तो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। स्टॉक, इन जो पिंजरे में रहेगा वो बेसिकली क्या कर सकता है, धीरे धीरे छिपके चल सकता है। फ्यू स्टेप ऑफ इस केज, वह अपने केज यानी पिंजरे में थोड़े दूरी तक जा सकता है, ठीक है। एंड क्वाइट लार्ज लॉक इन कॉन्क्रीट सेल, और वह जो टाइगर है वो कहाँ पर रहता है, जब पिंजरे में रहेगा तो कॉन्क्रीट मतलब ढेर सारे पत्थर से बने दीवार के, मतलब चारों तरफ से रहेगा, उस पर छड़ लगे रहेंगे, ठीक है, एक तरह से जेल की तरह उसको महसूस होगा वहाँ पर। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ इस केज इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी जो विजिटर होते हैं आए रहते हैं देखने के लिए शेर को, उसको जो शेर है जो टाइगर है वो इग्नोर करेगा, उन लोगों को नहीं मतलब देखेगा जल्दी से। ही हियर्स द लास्ट वॉइस स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार, वो ढेर सारे लोगों का आवाज़ भी सुनेगा जो कि जू में आते जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही शेर जब जंगल में रहेगा तो किस तरह से बिहेव करेगा और किस तरह से मूवमेंट एंड एक्शन दिखाएगा, आइए देखते हैं। लर्किंग इन द साइड रूम, लर्किंग मीन्स होता है प्रच्छन्न, मतलब वह शैडो मतलब छाया में रहेगा, ठीक है, अगर वो अपने हिसाब से छाया में रहेगा अगर वो जंगल में रहेगा टाइगर तो। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, अपने हिसाब से वो स्लाइड करेगा ग्रास यानी घास पर, ठीक है, वहाँ पर थोड़े भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो जंगल में रहेगा, उसको कभी भी क्या होगी, बोरिंग नहीं महसूस होगी, ठीक है। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, और वो जो अपने घर के मतलब जो जंगल में उसका घर रहेगा वहाँ पर क्या करेगा, दहाड़ेगा या गुर्राएगा, ठीक है। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंस, और वो अपने सफ़ेद सफ़ेद दांत को भी दिखाएगा वहाँ, ठीक है। हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स अपने जो क्लॉज मीन्स पंजा मारेगा, ठीक है, टोराइजिंग द विलेज, और आतंक मचाएगा गांव में, ठीक है, या गांव वालों को डराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो टाइगर है अगर वो एक पिंजरे में रहेगा तो उसकी लाइफ किस तरह से रहेगी या किस तरह से मूवमेंट और एक्शन करेगा, अगर वो जंगल में रहेगा वही टाइगर तो किस तरह से एक्शन और मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड आउट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन द टू कॉलम, यहाँ पर हमें दो प्लेसेस दिखाने हैं और उसको अरेंज करने हैं कॉलम में, ठीक है। नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू कॉन्ट्रैक्ट द टू सिचुएशंस, ठीक है। हमें क्या करने हैं, इसको फाइंड आउट करने हैं कि किस तरह से पोएट जो कवि है वह किस तरह से इमेज को तैयार करता है, इमेज को कॉन्ट्रैक्ट यानी दिखाता है दो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो दो सिचुएशन यहाँ पर, पहला है केज में और दूसरा है वाइल्ड यानी जंगल में। तो जो शेर है फ्यू स्टेप ऑफ इस केज, यानी जो शेर है यानी टाइगर है वो अगर केज में यानी पिंजरे में रहेगा तो बेसिकली कुछ ही स्टेप तक चल सकता है, लेकिन वही जो जंगल में रहेगा वह दूर तक जा सकता है। लॉन्ग ग्रास वाटर, वहाँ पर शैडो भी रहेगा जंगल में रहेगा तो, लंबी लंबी घास भी रहेगी और वाटर पानी भी रहेगा, अपने हिसाब से वो पी सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से घूम सकता है, अपना मनमौजी करेगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड इसका लॉक्ड कॉन्क्रीट सेल, और जो टाइगर केज अगर पिंजरे में रहेगा तो लॉक्ड रहेगा, चारों तरफ से बंद रहेगा और वो चार दीवारी में बंद रहेगा और जो उसके दीवार है कंक्रीट या पत्थर या ईंट से बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो जंगल में रहेगा वही टाइगर तो क्या रहेगा, वो होल में रहेगा, एक होल में रहेगा या प्लम्प डियर, या होल में रहेगा या प्लम्प डियर है मतलब डियर का शिकार भी करेगा, ठीक है। हियर बिहाइंड, इसके बाद केज वाले देखते हैं, बिहाइंड वाफ्स विजिटर्स, ठीक है, वो किसके पीछे रहेगा, बेसिकली जो टाइगर केज में रहेगा तो उसको ढेर सारे विजिटर्स देखने आएंगे, ठीक है, जैसे कि जू में कोई शेर रहता है तो उसको ढेर सारे लोग देखने आते हैं, तो इसी तरह से वह एक बिहाइंड द बार, जो शेर रहेगा एक छड़ के या किसी तना के पीछे रहेगा, ठीक है, छड़ या किसी दीवार के पीछे रहेगा। बट लेकिन जंगल में वो शेर रहेगा तो क्या रहेगा, हाउसेज एट जंगल इज, यानी जो उसका घर होगा जंगल में होगा, ठीक है, बीच जंगल में होगा, कहीं पेड़ के नीचे या कहीं बहुत ही जगह मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर उसका घर रहेगा, ठीक है। और केज में अगर रहेगा पेट्रोलिंग कार्स, वो पेट्रोलिंग कार्स देखेगा, यानी ढेर सारे कार वगैरह मतलब रुकते हैं या मतलब उसके जहाँ पर जू रहता है वहाँ पर ढेर सारे लोग स्टैंड किए रहते हैं कार या मतलब व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। लेकिन अगर वो शेर जो रहता है, ठीक है,
अगर शेर वहां से भागता भी है तो क्या आ जाएगा, ढेर सारे कार व्हीकल्स देखता है। लेकिन जब वह जंगल में रहता है शेर, तो विलेज यानी विलेज की तरफ भागता है, या मतलब अपने भोजन की तलाश करता है, इधर उधर घूमता है अपने मनमौजी तरह से, ठीक है, अपने हिसाब से। हियर क्वेश्चन नंबर टू है, नोटिस द यूजेस ऑफ द वर्ड रिपीटेड इन द लाइन सच एज दिस, यानी जो इस तरह से यूज हुआ है रिपीटेड लाइन इसमें तो क्यों यूज हुआ है, ठीक है, तो हमें इसको डिफाइन करने हैं। तो पहला इसमें दिया है ऑन अ पैड्स ऑफ वायलेट क्वाइट, इसका मतलब क्या है, इन दिस क्वाइट रेंज, इन दिस क्वाइट रेंज, क्वाइट रेंज यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे वेलवेट क्वाइट, क्वाइट यहाँ पे, क्वाइट यहाँ पे, तो रिपीटेड है, ठीक है। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट टू टाइप से, मतलब इस तरह से क्यों रिपीट हो रहा है इस पोएम में, ठीक है, तो हमें इसका पता लगाना है। तो आंसर है द रिपीटेशन इज अ पोएटिक एडवाइस यूज बाय द पोएट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द टाइगर्स रेज एंड हिज हेल्पलेस साइलेंस, ठीक है। यानी जो पोएट है बेसिकली वो अपने अकॉर्डिंग एक डिवाइस की तरह इसको यूज कर रहा है रिपीटेशन वर्ड को, ठीक है, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द टाइगर, टाइगर की इंटेंसिटी रेज के लिए, मतलब रेज मींस होते क्या है, रेज मींस होता क्रोध, यानी क्रोध को शो कर रहा है, यानी क्रोध को दिखाने के लिए वो जो पोएट है वो इस तरह से डिवाइस की तरह वो यूज कर रहा है रिपीटेशन वर्ड का, ठीक है। सो वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट मतलब एक तरह से साइलेंस रहता है जो शेर, ठीक है, जो टाइगर है साइलेंस रहता है, रेफर टू द क्वाइट वेलवेट पैड्स ऑफ द टाइगर्स विच कैन नॉट रन एस्लीप, यानी वेलवेट क्वाइट का मतलब यह है कि जो शेर है पिंजरे में है वह ना ही छलांग लगा सकता है ना ही वो जंप कर सकता है, ठीक है, ये खासियत है यहाँ पर। द यूज ऑफ क्वाइट रेग सिम्बलाइज द एंगर एंड फ्यूरोसिटी दैट बिल्डिंग अप द इनसाइड द टाइगर एज इट वांट टू रन आउट इनटू द फॉरेस्ट एंड अटैक टू डियर, ठीक है। यानी जो क्वाइट रेग मींस होता है ये एक तरह से सिम्बलाइज मतलब दिखा रहा है कि जो जो शेर है वो क्या है, काफ़ी एंगर है, ठीक है, काफ़ी नाराज है, और जो शेर है वो चाहता है कि वो किसी पे अटैक करे, मतलब वो कहीं बाहर भाग जाए, मतलब इट वांट टू रन आउट मतलब बाहर भागने के लिए सोच रहा है वहां से, और वो क्या करे जंगल में भागकर क्या करे अटैक टू अ डियर, मतलब डियर पर अटैक करे मतलब हिरन का शिकार करे, ठीक है, ऐसा वो सोच रहा है। द रिपीटेशन दस, इस तरह से रिपीटेशन जो है गिव अ वंडरफुल इफेक्ट टू द पोएम, यानी इस तरह के रिपीटेशन वर्ड से जो पोएम है अफेक्टिव मैनर में क्या हो रहा है, अफेक्ट वंडरफुल इफेक्ट शो कर रहा है इस पोएम में, ठीक है। यहाँ पे जो वीडियो होती है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।